हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन के पकोड़े। अब पकोड़े तो आपने बहुत टाइप के खाई होगी, एक बार इस तरह से आप ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चाय के साथ अगर ये वाले पकोड़े मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पतीले में ले लेंगे पानी और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स। मैंने यहाँ पे 10 रुपए वाली जो पैकेट आती है ना, वो एक पैकेट ली है और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। फ्लेम को मैंने फिलहाल हाई पे रखी है। थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं ताकि इसके अंदर भी नमक चली जाए। इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। बस 10 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ये अंदर से भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो कुछ ही देर के लिए मैंने इसको ढक के रख दी थी और ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। इस पर हाथ नहीं डालनी है दोस्तों, इसको हमें छान लेनी है। पानी को हम फेंक देंगे और ये सोया चंक्स को हम रख देंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, हम इसको साइड में कर देते हैं। तब तक हम पकौड़े की ऊपर का जो लेयर है वो बना लेंगे। तो एक बोल लेनी है आपको, उसमें हम ले लेंगे मैदा। 2 चम्मच मैदा लिया है मैंने, 3 चम्मच मैंने ली है बेसन और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च, आप कुछ भी बोल सकते हो। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हम कलेंजी लेंगे, इस तरह से क्रश करके डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार में। और ये है थोड़ा सा विनीगर, आप चाहो तो विनीगर के बदले में नींबू का रस भी डाल सकते हो। हरी मिर्च ली है मैंने काफ़ी सारा, अगर आपको तीखापन कम पसंद है आप कम डाल सकते हो। थोड़ा सा हम लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा ले लेंगे इसमें पानी। अब पानी थोड़ा थोड़ा डालना है और थोड़ा थोड़ा इसका एक घोल बनाना है। हम ना इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे। ये देखो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा, ये खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है ये। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और बस हम ले आएंगे अपने सोया चंक्स को। ये देखो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी ना हम इसको इस तरह से स्क्वीज करेंगे, इसका अंदर का जो सारा पानी है वो बाहर निकाल के फेंक देंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखो कितना सारा पानी इसमें था, इसको हम फेंक देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद इसको हम ले चलेंगे सीधा गैस की तरफ। अब गैस पे ना मैंने दोस्तों पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए छोड़ दी है। तेल को आपको कर देनी है मीडियम पे और एक एक करके ये सोया चंक्स को आपको इसमें डाल देनी है और मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको पलटते हुए फ्राई करना, हाई पे नहीं करना, नहीं तो ये ना अंदर से ना पकेगा नहीं। तो ये देखो गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है, तो इस तक आपको फ्राई करनी है। तो इसी तरह से मैंने सारे सोया चंक्स को फ्राई कर लिए हैं और ये देखो अपने सोया चंक्स के पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही आसानी से बन गए ना। मैंने इसमें ना थोड़े से हरी मिर्चें भी फ्राई करके ली है। आप ना इसको हरी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, चाय के टाइम पर ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको ना आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और दोस्तों आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।